हेलो, वेलकम टू माय चैनल। अभी सभी का रिजल्ट निकला है या जिन्होंने अभी न्यूली एनरोल किया है एमसीए में, तो अभी बुक्स नहीं आई हैं, तो आप चाहें तो बुक्स को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। और ई ज्ञान कोश जो इग्नो की एक वेबसाइट है, आप उस पर भी जाके ई ज्ञान कोश से भी बुक्स ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और उनको उनको उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ में भी काफ़ी सारी चीज़ें अभी न्यू हैं जो आप देख सकते हैं, अगर आपको अभी तक नहीं पता है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम देखते हैं, यहाँ पे हम नोट्स बना सकते हैं। दूसरा, अपने जो असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं, जो असाइनमेंट के आपके क्वेश्चंस हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं अभी, और 10 ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरी वेबसाइट पे भी है, आप उस पर मैंने कुछ वीडियोस में 10 ईयर क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता रही थी कि जैसे मैंने अभी एक बुक डाउनलोड की है MCS 51 की, तो हम इसको पढ़ने के लिए इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। जैसे कि हम कोई एक वर्ड है, अगर हम कोई क्वेश्चंस, अगर हमने असाइनमेंट डाउनलोड की हैं और कोई क्वेश्चंस अपने डाउनलोड किए हैं और हम देख रहे हैं कि कोई एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक हमें पढ़ना है, तो हम यहाँ पर सर्च में उस टॉपिक का नाम डाल सकते हैं। अगर और हमारी जितने ब्लॉक्स हैं या फिर जितने चैप्टर्स हैं, हम यहाँ पर वो टॉपिक डाल के ढूंढ सकते हैं, हमें पूरी बुक देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर डाल रहे हैं जावा सर्वलेट, जीएसपी, हाँ जावा सर्वलेट। देखिए ये समरी में अगर जावा सर्वलेट है तो यहां पे ये आ गया है। हमने सिर्फ आधा ही वर्ड डाला और यहाँ पे आ गया है, तो हम इसको पढ़ सकते हैं। और इससे इसी के और अगर हम जब पढ़ रहे हैं पीडीएफ में, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, तो हम उनको सर्च, हम उन बुक्स, उन वर्ड्स को वेब पे सर्च भी कर सकते हैं। यहीं से हमें गूगल पे डायरेक्ट यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सर्वलेट इंजन्स है, हमने यहाँ पे वेब सर्च किया और ये यहाँ पे आ गया और हम यहाँ पे मीनिंग देख सकते हैं। ऐसे कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड है वो डाल के हम उसका मीनिंग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नोट्स। यहाँ पे हम अपने नोट्स भी बना सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाइलाइटर्स दिए हो या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है हमारा बुक में जो हमें पसंद आया है और हम उसके डेफिनेशन से नोट्स बनाना चाहते हैं, तो हम उसको यहाँ पे हाइलाइट कर सकते हैं। बाद में अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं इसकी सर्वलेट का जो मैथड है इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ, और यहाँ पर मैं इसमें नोट को ऐड भी कर सकती हूँ। और अगर मैंने किसी वर्ड का मीनिंग देखा है तो मैं यहाँ पे उस वर्ड का मीनिंग यहाँ पर लिख सकती हूँ। आगे जब मैं उस बुक में पढ़ूंगी तो मुझे वो मीनिंग उसके साथ दिखाई देगा। और अगर मैं नोट्स बना रही हूँ तो मैं यहाँ से बाद में देख सकती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं कभी कभी पेन और पेपर साथ में नहीं होता, तो हम उस पीडीएफ को बाद में देख के उन नोट्स को बना भी सकते हैं और यही नोट्स भी रख सकते हैं अगर इनको हाईलाइट कर ले और यहाँ पर जो चीज़ें ऐड करनी है वो देख ले। और काफ़ी सारे फीचर्स हैं, आप देखते हैं यहाँ पे ही क्या है। हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से जूम कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, और रोटेट कर सकते हैं पेज को, और लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये क्या है, सेव, कंट्रोल एस से सेव कर सकते हैं जो भी हमने यहाँ पे किया है। और फुल स्क्रीन, तो ये तो पता ही होगा आपको, और इससे हम टच से भी राइट कर सकते हैं, और ये इरेज कर सकते हैं अगर हमने कुछ लिखा है जो उसको हमें हाईलाइट नहीं करना है। कलर्स डिफरेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, और बुक से भी सर्च कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। वेब सर्च जो है वो हो सकता है आपको भी नहीं पता हो, तो आप देख सकते हैं। और हमें जब भी स्टडीज स्टार्ट करनी है, हम उसके नोट्स बनाते हैं, तो हम अपनी ओन लैंग्वेज में अगर हम उसके डिफिकल्ट वर्ड सर्च करते हैं और हमें मिल जाते हैं, वेब पे भी सर्च कर सकते हैं, तो सारा मिक्स करके जो हमारा नोट्स बनता है वो बना सकते हैं। और जो भी बुक्स हैं ये काफ़ी पहले प्रिंट हुई हैं, तो इसमें कुछ बुक रिकमेंडेड हैं, उनके जो न्यू वर्जन है हम उससे देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही नोट्स बनाएं, और उसकी जो एडवांस चीज़ें हैं वो देखें नेट पर, और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और
असाइनमेंट भी अपना डाउनलोड कर लेंगे तो क्या होगा, और जो भी असाइनमेंट में आप क्वेश्चंस कर रहे हैं वो आपको बाय हर्ट होने चाहिए, अच्छे से समझ में आने चाहिए। और 10 ईयर भी जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, वैसे तो सारे ही जो भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, अगर हम पढ़ते हैं बुक्स तो हमें सब कुछ पता ही होता है, लेकिन क्या होता है उसको अच्छे से याद करें, क्योंकि क्या होता है जो 10 ईयर में जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जो असाइनमेंट में क्वेश्चन होते हैं उसमें से भी टीचर्स दे देते हैं। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम है किसी में, तो अगर आप अभी से पढ़ के रखेंगे तो जब आपके काउंसलिंग सेशन स्टार्ट होंगे, जो सैटरडे संडे को क्लासेस लगती हैं, तो उसमें अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं आप काउंसलर से, अगर आप अभी से अपना सब कुछ रेडी करेंगे तो। असाइनमेंट में भी देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा लोगों के साथ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू अपडेट्स के लिए, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो डालूंगी वो आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।